काशी महाराज के हृदय में भी अत्यंत प्रसन्नता होगी, और हम समझते हैं कि वे सबसे अधिक प्रसन्न इस बार के जन्मोत्सव पर हो रहे होंगे, क्योंकि पूज्य श्री महाराज जी के मंगलमय चरित्र को कहने का अवसर मिलेगा। दास की स्थिति ये है कि भक्तमाल ग्रंथ में जो कुछ नाभा जी ने लिखा है, प्रियादास जी ने उसकी टीका की है, और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने और पूज्य श्री रामायणी जी महाराज ने, दोनों महापुरुषों ने मिलकर उसका बृहद भाष्य लिखा है। तो जो कुछ उन्होंने लिखा है, जो कुछ उनके मुखारविंद से सुना है, उसका आश्रय लेकर भक्तमाल की चर्चा तो दास जैसे तैसे टूटी फूटी वाणी में चर्चा कर लेता है, लेकिन महाराज जी का चरित्र कहना, चरित्र वैभव के अनुसार चरित्र कहना, उनका चरित्र का वैभव ही इतना विलक्षण है कि उसको घंटे दो घंटे में कहना, दो दिन तीन दिन में कहना, वो तो बूंद में सागर को समाहित करने जैसा कार्य। बूंद में सागर समाहित करने जैसा कार्य। गागर में सागर तो आपने सुना होगा, गागर में सागर तो सुना होगा, गागर में सागर, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुने, बूंद में सागर। गागर में सागर तो चलो फिर भी, गागर में तो बहुत जल आ जाता है, पर बूंद में सिंधु का, बिंदु में सिंधु का समाहित हो पाना अत्यंत अत्यंत क्लिष्ट कार्य है। और हमारे जैसे भाव शून्य, रस शून्य, शुष्क हृदय के जीव के लिए तो अत्यंत अत्यंत कठिन है। हमने तो ठाकुर जी से ही कह दिया कि अब श्रोता आप हैं, आपका जन्मोत्सव है, आप सुनना चाहते हैं तो जो सुनना चाहें वो सुनवा लें। और महाराज जी से कह दिया कि आपके स्वरूप को ठाकुर जी जानते हैं, प्रिया प्रीतम जानते हैं, और हमारे जैसे लोग तो जानेंगे क्या, तो हमारी कहने की तो सामर्थ्य नहीं है। यद्यपि महाराज जी का चरित्र महाराज जी को सुनकर संकोच ही होगा, पर उनके प्रियालाल जी प्रसन्न होंगे, उनकी प्रसन्नता का दर्शन करके पूज्य श्री वेणुव्रत कुंज वाले महाराज जी प्रसन्न होंगे, और अपने परम अनुगत श्री ठाकुर जी का मुखोल्लास देखकर, उनकी प्रसन्नता को देखकर भी महाराज जी प्रसन्न होंगे। इसलिए महाराज जी से भी प्रार्थना की है कि हे पूज्य गुरुदेव, आप कृपा करके अपने स्वरूप को स्वयं ही कृपापूर्वक प्रकाशित करें तो हम कुछ कह सकते हैं, अन्यथा हमारे जैसे व्यक्ति के लिए कह पाना बहुत कठिन काम है। और देखो ऐसी व्यवस्था है हमारी कि भैया जी से हमने कहा कि चरित्र वैभव ले आइए, हमारे पास तो है चरित्र वैभव, पर वो एक तो हमारे यहाँ कोई ग्रंथ आता है तो कई संत पढ़ने वाले होते हैं, उनके पास गया उनके पास गया, कभी किसी को अच्छा लगता है तो वो ले भी जाते हैं, अच्छी बात है, भक्त चरित्र महापुरुषों का चरित्र पढ़ करके प्रसन्नता ही होगी। और तो भैया जी से हमने मंगाया था, थोड़ा बहुत उलट पलट के देखा, फिर पूज्य पिताजी को दे दिया, वो तो बड़े पढ़ जोर के पढ़ने वाले, तीन चार दिन में ही पूरा ग्रंथ आदि से अंत तक उन्होंने पढ़ लिया। अब कुछ उन्होंने लिखा है, वो लिख के कल रात्रि को उन्होंने दिया, हम भी श्रमित थे देख नहीं पाए, और आज याद आया, वहाँ कार्यालय में दिया, क्योंकि वो कटा पिटा था, उसकी टाइप उसमें संशोधन, अब उसके लिए हम बैठते तो वहाँ से 4 बजे चल सकते थे, यहाँ विलम्ब होता,
वहाँ से लगभग 1:30-2 बजे वहाँ से चले, 1:45 बजे के करीब वहाँ से चले और वे तैयार नहीं था। तो फिर आजकल तो सुविधा है ना, वहाँ के लोगों ने कहा कि हम मलू बैठे श्री हरि की गो। भक्त दाम का माने भक्तों के पुष्पों की माला का, पुष्पों का जो संग्रह करता है, केवल कहता है, श्रवण करता है अथवा अनुमोदन करता है, अथवा भक्त चरित्र जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं उन भक्त पुष्पों का, चरित्रों का चयन करके उनको संग्रहित करता है, अथवा केवल अनुमोदन कर देता है, तो इतने मात्र से वह भगवान की कृपा का भाजन बन जाता है। कितना प्रिय पात्र बन जाता है कि सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे श्री हरि की गोद। श्री ठाकुर जी के प्रिय पुत्र के समान वो भगवान की गोद में बैठने का अधिकारी बन जाता है। तो ये बात तो पक्की हो गई कि पूज्य ठाकुर जी के उत्सव में महाराज जी का चरित्र हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं। तो नाभा जी की सिद्ध वाणी के अनुसार हम सब श्री ठाकुर जी की गोद के अधिकारी हो गए। जिन्होंने लिखा, परम पूज्य बाबा श्री मनोहर दास जी, वो तो ठाकुर जी की, महाराज जी की नित्य सन्निधि में विराजमान है ही। अभी जिन महानुभाव ने पंक्तियां लिखी हैं उनका भी पक्का हो गया, क्योंकि सो प्रभु प्यारो भक्त दाम संग्रह करें कथन श्रवण अनुमोद, उनके लिए भी गोद पक्की हो गई, इस दास के लिए भी गोद पक्की हो गई, और आप सबके लिए भी ठाकुर जी की, श्री जी की गोद पक्की हो गई। कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद, बार बार पद बंदो श्री नाभा आभाए, जिन काढ़ो गाभा वेद को भक्त माल रस दे, प्रिया दास जुके पद कमल बंदो बारंबार, कीनी भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखसार, चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूल सर्वसु सिर धरि राखियों मेरी जीवन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों का चरित्र पढ़ करके दास ने एक बात का अनुभव किया है, वो अनुभव ये है कि जैसे श्री ठाकुर जी आते हैं अवतार काल में तो वो अकेले नहीं आते हैं, पूरे परिकर के सहित आते हैं, उसी में उनकी शोभा है, उसी में उनकी लीला का विस्तार है। उसी विष्णु स्वामी परंपरा में श्री वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए तो उनका भी एक परिकर उनके साथ आया, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उनका भी पूरा परिकर उनके साथ आया। ठीक उसी उस जैसे ये उदाहरण है, वैसे ही पंडित जी महाराज आए तो पंडित जी महाराज का एक परिकर आया,
सेठ जी आए तो सेठ जी का एक परिकर आया, भाई जी श्री राधा बाबा ये सब। ठीक इसी प्रकार से परम श्रद्धे अनंतश्री समलंकृत रस वारिधि निमग्न महाभाव निमग्न श्री वेणुबनोद कुंज वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज जब वे पधारे तो उनके पावन चरित्र को पढ़कर भी लगता है कि वे भी अकेले नहीं आए, आए तो कोई नित्य निकुंज से अली ही पधारी, पर उसका भी एक विशिष्ट परिकर श्री ठाकुर जी ने इस धराधाम पर भेजा। और उस परिकर के एक विशेष विशिष्टतम अंग जिनके बिना महाराज जी की चर्चा ही संभव नहीं, ऐसे श्रद्धेय श्री ठाकुर जी जिनका जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, पूज्य श्री मनोहर दास बाबा, पूज्या श्री देवी जी, ये सब जो जो उनकी लीला में सम्मिलित हुए वो सब उनके परिकर। जैसे महापुरुषों की भूमिका ऊपर से सुनिश्चित होती है, हमको लगता है उनके परिकर की भूमिका भी पहले से बनी बनाई होती है। जैसे पहले सिनेमा की रील बन जाती है, अभिनय पहले ही हो जाता है, बाद में उसका मंचन किया जाता है, ऐसी ठाकुर जी के नित्य दरबार में रील बन जाती है पहले से, ये होना है, ये लीला होनी है, और फिर उस संकल्प के अनुसार वो सब कार्य होते हैं। भक्तों के जीवन में जो अनुकूल प्रतिकूल सम विषम परिस्थितियां देखी जाती हैं वो प्रारब्ध कर्म जन्य नहीं होती हैं, वो भगवत संकल्प से जन्य होती हैं। आप लोग कहेंगे भगवान का संकल्प ऐसा क्यों? अरे कर्म बंधन में बंधे हुए हमारे जैसे जीवों को छुड़ाने तो वे आते हैं, तो वो स्वयं कर्मफल भोगने आवेंगे? वो कर्मफल भोगने तो हमारे जैसे लोग आए हैं, कर्म बंधन से छुड़ाने आते हैं महापुरुष। फिर उनके जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां कैसे आती हैं? वो भगवत संकल्प से निर्मित होती हैं। आप लोग कहेंगे भाई भगवान ने ऐसा संकल्प क्यों किया, भगवान ऐसा संकल्प क्यों करते हैं? भगवान करुणामय हैं, उनके इस संकल्प के मूल में ये विशिष्ट हेतु है कि यदि ऐसी सम विषम परिस्थितियां न बने तो हम जीवों को न भक्तों के चरित्रों से प्रेरणा कैसे प्राप्त होगी? ऐसी विकट परिस्थिति में भी रह करके भगवान की भक्ति की जा सकती है, ये प्रेरणा कैसे मिलेगी? अब देखो हम उदाहरण दे रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार जिस जीव को भगवत दर्शन हो जाता है उसके क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं, कोई कर्म शेष नहीं रहता। ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवान व्यास कह रहे हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ छिन्न भिन्न हो जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। संपूर्ण कर्म राशि क्षीण हो जाती, छीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे अथवा दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भगवत दर्शन होते ये लाभ तत्काल प्राप्त हो जाता। अब राजर्षि मुचकुंद को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, संत कृपा कर दें महाराज जी तो तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है, सोते सोते भगवान मिल जाएंगे। मुचकुंद जी को सोते सोते तो मिले, युद्ध में थक गए थे, विश्राम मांगा और गुफा में सेवने के लिए जा रहे थे, उसी समय गर्ग जी महाराज और नारद जी का दर्शन हो गया। दोनों संतों के चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज अब तक तो क्षत्रिय धर्म का पालन करते रहे, युद्ध में श्रमित होकर विश्राम में जा रहे, भजन को तो समय मिले ही नहीं, आप कोई भजन का रास्ता दिखा दो। अरे कोई बात नहीं,
द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया, अगले श्वास प्रश्वास के क्रम से द्वादशाक्षर का जप करो। जब आंख खुलेगी ना तो इस मंत्र के जो प्रतिपाद्य भगवान वासुदेव हैं वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। इसलिए संत कबीरदास जी की साखी है, क्या साखी है आप सबको याद होगी, जागनते सोनो बलो, जागनते सोनो भलो, जो को जाने सो। सोना भी सीखना पड़ता है। जागनते सोनो भलो, जो जाने सो, अंतर लो लागी रहे सहज ही सुमिरन हो, अंतर लो लागी रहे सहज ही सुमिरन। ये इको मत चालू करो, समझे ना, वो कहते क्या कहते, सामान्य आवाज ही रखो है। संत कृपा हो गई और मुचकुंद जी को भगवान का दर्शन हो गया, कथा आप सब जानती है। भगवान बोले कि देखो हमारा दर्शन तो तुमको हो गया और हमने बहुत वरदानों का प्रलोभन दिया, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में लोभ नहीं आया। मेरे बार बार वरदान का लालच देने के बाद भी तुम निष्काम ही बने रहे, तुम मेरे निष्काम भक्त हो। देखो पुनर्जन्म कामना के ही परिणाम है और तुम निष्काम हो, निष्काम होने का मतलब है अब पुनर्जन्म का कोई हेतु नहीं बचा, लेकिन फिर भी मेरी कामना है कि तुम्हारा दूसरा जन्म हो। ये कौन कह रहा है, ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी कामना है कि तुम्हारा दूसरा जन्म हो। क्यों, इस जन्म में तुम्हारी भक्ति का लाभ किसी जीव को नहीं मिला, अगला जन्म होगा तो तुम्हारी भक्ति का लाभ असंख्य जीवों को मिलेगा, तुम्हारे लीला काल में अवतार काल में लाभ मिलेगा और तुम जब अपनी लीला संपन्न करके मेरी नित्य सन्निधि प्राप्त कर लोगे तो उसके बाद जी रसिक माधव दास जी महाराज कृपा करके पधारे बिराजा। यहाँ हवा तो लगेगी जहाँ बैठे हैं। वहाँ तो दर्शन नहीं होगा हमको, यहाँ यहाँ विराज। वेदाचार्य जी वैसे आए तो अयोध्या के हैं लेकिन हैं तो मिथिला के, झाजी हैं मिथिला के हैं तो मिथिला वाले मिथिला वालों को पहचान लेते, सुगंध से पहचान लेते, इसलिए वेदाचार्य जी ने अपना आसन महाराज जी को अर्पित कर दिया। अच्छी बात, ऐसा ही होना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा भूत्वा द्विजवरस त्वंबई माम उपैशिष केवलम, दूसरे जन्म में तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में होगा और फिर तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो वे राजर्षि मुचकुंद ही भक्तराज नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए, जिन नरसिंह मेहता के संबंध में नाभा जी ने कहा जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुजर धर पावन करी।
जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर घर पावन करी। पूरी गुजरात की भूमि को पवित्र कर दिया। नरसी जी के आविर्भाव के पहले गुजरात की भूमि कैसी थी? महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने, महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने, माला मुद्रा देखी ताई निंदा ठाने, माला मुद्रा देखी आसु की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऊसर तेसर कियो खंड दो सही खोयो जे, ऊसर तेसर कियो खंड दो सही खोयो। सारी गुजरात की भूमि ऊसर हो चुकी थी, कोई भक्त पैदा ही नहीं होता था। उसको इतना उपजाऊ बना दिया कि अब तमाम संत प्रकट होने लगे। ऊसर तेसर कियो खंड दो सही खोयो जे, ऊसर तेसर कियो खंड दो सही खोयो जे, बहुत ठोर पर चो दियो रस रूप भक्ति हृदय धरी, बहुत ठोर पर चो दियो रस रूप भक्ति हृदय धरी, जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। हाँ, जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी, जिन गुर्जर धर पावन गुर्जर धर पावन करी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, नरसी जी का जीवन कितना संघर्षों से भरा हुआ जीवन, अत्यंत बाल्यकाल में पिता का दिवंगत हो जाना, जन्मदात्री माता का भी दिवंगत हो जाना और दादी के संरक्षण में उनका पालन पोषण होना, आयु में बड़े भाई की और इनकी आयु में काफी अंतर था, बड़े भाई विवाहित थे और बड़े भाई की जो पत्नी थी वो तो साक्षात भगवती ही थी, चंडी ही थी, क्या कहना, न भूतो न भविष्यति ऐसा उदाहरण खोजना भी बहुत मुश्किल है। वो तो पता नहीं कितने बड़े महात्मा होंगे बंसीधर जी जिन्होंने उसके साथ पूरे जीवन निर्वाह किया होगा, बड़ा सहनशील होंगे महाराज, लीला में हम लोग देखते ही। दुरित गौरी, उसका नरसी जी के प्रति दुर्व्यवहार, लंबे समय तक उनका गूंगा रहना और इसके बाद कैसी कैसी विकट परिस्थितियां नहीं उनके जीवन में आई। तो हम महाराज जी प्रश्न ये कर रहे हैं, क्या वे परिस्थितियां कर्मजन्य हैं? कर्मजन्य तो नहीं है, भगवत संकल्प से जो संत भक्त अवतरित होते हैं वो कर्म बंधन में बंधे हुए जीवों को मुक्त करने के लिए आते हैं, वो स्वयं कर्म बंधन भोग में पड़ के कर्म फल भोगने नहीं आते। फिर भगवत दर्शन का फल है कर्म बंधन की समाप्ति, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, भगवान का साक्षात्कार हो चुका है तो कोई कर्म शेष ही नहीं रहा। अब ये विकट परिस्थितियां क्यों, इतनी प्रतिकूलताएं क्यों,
बोले ये विकट परिस्थितियां, ये प्रतिकूलताएं हमारे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों को भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने का उत्साह देने के लिए है। ऐसी विकट परिस्थितियों में रहकर भी 52 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है इस कराल कलिकाल में। और सीधा सीधा चरित्र हो, खूब सब अनुकूलता हो, तो हमारे जैसे प्रमादी तुरंत कहेंगे भैया वो तो बने बनाए आए थे, उनको क्या कष्ट भोगना पड़ा, वो तो अपने राम राम करते रहे, क्या हुआ। हम जो भोग रहे हैं, हमारी जैसी परिस्थिति में कोई भजन करके दिखावे, भगवत प्राप्ति करके दिखावे, तब हम जाने। तो भजन तो हो ही नहीं रहा है, भजन तो सच्ची बात हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जब तक समस्त इच्छाओं पर पूर्ण विराम नहीं होगा तब तक भजन संभव नहीं। भजन शुरू तब होगा जब कामनाएं इच्छाएं उन पर पूर्ण विराम लग जाए, वो तो लग नहीं रहा है। और नई नई योजनाएं हम लोग बनाते चले जा रहे हैं, भजन नहीं बन रहा है। हाँ, बहाने खूब बन रहे हैं, अभी ये परेशानी, अभी ये परेशानी, अभी ये परेशानी। महाराज जी, संतों के चरित्र पढ़ सुन करके ये उत्साह होता कि ऐसे ऐसे विकट परिस्थितियों में, ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियों में उन्होंने भजन किया, भजन की ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त की, ये तभी शिक्षा प्राप्त होगी जब भक्तों के चरित्रों में भी उस प्रकार की प्रतिकूलताएं होंगी। तो हमको तो ऐसा लगता है, कोई माने न माने, हम तो मान चुके हैं कि महान संतों के जो भगवत संकल्प से धरती पर आए हैं, उन संतों के जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां प्रारब्ध कर्म से जन्य नहीं होती हैं, भगवत संकल्प से जन्य होती हैं, क्योंकि भगवान उनके चरित्र के माध्यम से असंख्यों जीवों को प्रेरणा प्रदान करना चाहते हैं, प्रेरणा देना चाहते हैं। इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि अब कोई बंधन तो कर्म का शेष बचा ही नहीं। कई बार वे करुणामय संत अपने आश्रितों के दुष्प्रारब्ध भी करुणावश अपने ऊपर भोग करके भोग लेते हैं और उनको भजन का अवकाश दे पाए, हम झेल लेंगे तेरी, तू भजन तो कर। कई बार ऐसा भी होता है। इसलिए संतों के चरित्रों में कभी भी अश्रद्धा अविश्वास तो करना ही नहीं चाहिए, अतिशयोक्ति भी नहीं कभी सोचनी चाहिए कि अरे ऐसा हो नहीं सकता, ये तो बढ़ा चढ़ा के ऐसा कह दिया गया, ये अतिशयोक्ति वाली बात भी अपने मन में नहीं आनी चाहिए। होना महाराज जी ये चाहिए कि जितना कहा गया वो कम है, इससे भी अधिक हो सकता है। भगवान के लिए और भगवान के प्राण प्यारे संतों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अभी कल ही विनय पत्रिका में जो पद आया, उस पद में क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने के नाम निष्ठ संत को चाहिए कि कोई कहे कि नाम महाराज की कृपा से अमुक जगह पत्थर में कमल खिल गया, तो नाम जापक को अविश्वास नहीं करना चाहिए उसको। हाँ, बोले नाम महिमा से पत्थर में कमल क्या, आकाश में कमल खिल जाएगा, वज्र में से कमल खिल जाएगा, पत्थर में कमल खिलना कौन सी बड़ी बात, क्योंकि नाम की महिमा से सब कुछ संभव है। ऐसे नाम निष्ठ संत पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी का जीवन चरित्र इस बार ठाकुर जी के उत्सव में भक्तमाल की ही कथा हो रही है, पर भक्तमाल कथा में पूज्य वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी के मंगलमय चरित्र की कुछ पंक्तियों का स्मरण करके ठाकुर जी के 86वें जन्मोत्सव को हम लोग मना रहे हैं। तो अब उन पंक्तियों का हम उच्चारण कर रहे हैं।
हरि अवतार भूमि भक्त अवतार भूमि हरि अवतार भूमि भक्त अवतार भूमि पुण्य भूमि भारत की समता नहीं कोई है हाँ पुण्य भूमि भारत की समता कोई है आचार्य रामानुज शंकर अवतार भूमि आचार्य रामानुज शंकर अवतार भूमि श्री रंगनाथ प्रभु कीर्ति जग छाई श्री रंगनाथ प्रभु की कीर्ति जग छाई श्री रंगनाथ प्रभु की कीर्ति जग छाई है रंगनाथ प्रभु की कीर्ति जय छाई भक्त कुल शेखरी की वंश परंपरा पुण्य भक्त कुल शेखरी की वंश परंपरा पुण्य जन्मे बाल कृष्ण दास भक्ति जिन्हें भाई है आ जन्मे बाल कृष्ण दास भक्ति जिन्हें भाई है जन्मे बाल कृष्ण प्रभु भक्ति जिन्हें भाई है आ जन्मे बाल कृष्ण प्रभु भक्ति जिन्हें भाई है मातृकुल भट्ट गोपाल अनुगत सदा मातृकुल भट्ट गोपाल अनुगत प्रगटे श्री राधा रमण भक्तन सुखदाई आ प्रगटे श्री राधा रमण जी भक्तन सुखदाई है भक्तन सुखदाई है भक्तन सुखदाई ये भारतवर्ष की धरती बड़ी पवित्र धरती है हरि अवतार भूमि भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो भारतवर्ष की पवित्र धरती पर ही अवतार लेते हैं और क्षेत्रों में भी लोग कहते हैं कि जन्म लेते हैं पर कहीं ईश्वर का दोस्त आता है तो कहीं ईश्वर का पुत्र आता है पर खुद ईश्वर को आना हो तो श्री अयोध्या वृंदावन की पवित्र भूमि में ही श्री ठाकुर जी अवतरित होते हैं ये भारतवर्ष ही है ऐसा जो भगवान के अवतार की भूमि है भरी अवतार भूमि भक्त अवतार भूमि अनंत संत भक्तों की अवतार भूमि है भारतवर्ष। महाराज जी हम तो ये घोषणा नहीं कर सकते कि हम बहुत ज्यादा घूमे हैं लेकिन फिर भी बहुत घूमे इतने घूमे थोड़े समय में कि शायद ही इतने थोड़े समय में इतना ज्यादा घूमना भी कठिन काम है भगवान की इच्छा है। मैंने समझो कि विशेष रूप में सन 2000 से लेकर के तो अभी एक दो साल पहले तक दिन में कहीं रात में कहीं सुबह कहीं शाम कहीं कभी ट्रेन में कभी प्लेन में और थोड़ा बहुत समय मिला तो यहाँ भगवान की कथा में ऐसे लगातार दिनों रात चले। प्रायः भारतवर्ष के सभी प्रांत हुए
सभी देश सभी प्रदेश हुए, सभी प्रायः अनेकों जनपदों में गए, अनेकों गांवों में गए, पर कोई ऐसा प्रदेश नहीं मिला, कोई ऐसा गांव नहीं मिला, कोई ऐसा जनपद नहीं मिला जिसमें कोई महान भक्त अवतरित न हुआ हो, महान संत अवतरित न हुआ। हमको तो लगता है महाराज जी की शोध किया जाए तो भारतवर्ष का कोई ऐसा कुल खानदान नहीं मिलेगा जिसमें कोई ना कोई महान संत पैदा ना हुआ। इतना पवित्र देश है ये भारतवर्ष, सभी जातियों में सभी वर्गों में समाज के महान भगवान के भक्त प्रकट हुए। तो हरि अवतार भूमि, भक्त अवतार भूमि, भारत पुण्य भूमि, भारत की समता नहीं कोई है। इस पवित्र भारतवर्ष की समता में कोई धरती पूरे विश्व में नहीं है। और उस भारतवर्ष में भी दक्षिण भारत, जिसके संबंध में लिखा है, भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, हे नारद जी मेरी कथा सुन लीजिए। क्या कथा है आपकी? उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। हारमोनियम का स्वर नहीं मिल रहा है। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता, कहीं कहीं महाराष्ट्र में और गुजरात में आकर रानी अपनी कथा सुना रही है। तो भक्ति ने अपनी जन्मभूमि द्रविड़ देश को माना, इसका मतलब है कि भक्तों का जन्म ही भक्ति का जन्म है। तो भक्तों का कली बढ़ते चले गए, वहां भक्तों की अवतार भूमि। श्री षटकोप जी का काल तो बहुत पुराना काल है, ऐसा समझिए कि युगारंभ का ही काल होगा। फिर उसी परंपरा में आगे चलकर श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हुए, शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी, जिनका पिछली वर्ष सहस्राब्दी वर्ष मनाया गया, उनके अवतार को 1000 वर्ष हो चुके हैं। वे भी दक्षिण में ही प्रकट हुए। शंकर शंकरो साक्षात साक्षात शिवावतार श्री शंकराचार्य जी भी केरल प्रदेश में कालड़ी गांव में, हम वहां होके आए, जिस गांव में शंकराचार्य दो बार होके आए, दो तीन बार होके आए, जहां शंकराचार्य जी का प्राकट्य हुआ। श्रीमन मध्वाचार्य, श्रीमन निम्बार्काचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, ये भी उधर ही प्रकट हुए, दक्षिण में। श्री वल्लभाचार्य जी, उनके पूर्वज तो दक्षिण के ही हैं, बाकी वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य, खुद का प्राकट्य चंपारण का है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का है, जो इस समय छत्तीसगढ़ में है। श्री रामानंदाचार्य जी मध्य भारत में तीर्थराज प्रयाग में हुए, बाकी प्रायः सभी आचार्य दक्षिण में हुए। तो आचार्य श्री रामानुजाचार्य की भूमि, आचार्य श्री शंकर की भूमि, जहां श्री रंगनाथ भगवान आज भी विराज रहे हैं, ऐसे पवित्र दक्षिण भारत की भूमि में, दक्षिण भारत में श्री रामानुज संप्रदाय की परंपरा में महान आलवार भक्त श्री कुलशेखर जी, जिनका मुकुंदमाला स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध है, जिस मुकुंदमाला का एक श्लोक तो इतना प्रसिद्ध है कि शायद भारतवर्ष में कोई ऐसा प्रेमी भक्त नहीं होगा जो कुलशेखर जी के इस श्लोक को न सुना हो, किसी ने न जानता हो। ये मुकुंदमाला स्तोत्र का ही श्लोक हो, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरांते
अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते कंठाव रोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे श्री कृष्ण प्रसाद देते थे, प्रसाद के लालच में, दर्शन का लालच तो दो नंबर पे था, नंबर पे था तो वहां कुछ पाने को मिल जाता था, दर्शन करके जाते। बाद में पूज्य श्री महंत श्री हरिदास जी महाराज जब विराजते तो भी हम जब निकलते तो वहाँ दर्शन करके जाते, तो बढ़िया छाछ पिलाते, कुछ प्रसाद देते, थोड़ी देर बैठ के बातचीत करते। वो भी अद्भुत संत थे। तो एक बार हम गए तो महाराज जी बोले, श्री महंत श्री हरिदास जी महाराज बोले, महाराज जी कैसे हैं? उनके महाराज जी तो ठीक हैं, कहाँ हैं? मलुक पीठ में ही हैं। तो देखो अब उनको कमर झुक गई है और बहुत तकलीफ में रहते हैं, शरीर बहुत वृद्ध हो गया है, और हम तो पूछते रहते हैं महाराज जी की खबर कहाँ गए। बोले महाराज जी तो वहाँ गए, महाराज जी तो वहाँ गए। अरे भाई ये अवस्था कहीं बाहर जाने की है? आपको पता नहीं है, महाराज जी तो सरल बात पाएँ, लोग आग्रह करके ले जाते, महाराज जी चले जाते हैं। अब वृद्ध शरीर है, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा पैर पड़ जाए, कोई घटना घट जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो महाराज जी को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सब आपको नाम धरेंगे। इसलिए महाराज जी से प्रार्थना कर लो, वृंदावन छोड़ के कहीं ना जाए। हमने कहा महाराज जी हम तो कैसे कह सकते हैं, हम तो प्रार्थना हमारा कहाँ अधिकार है। नहीं नहीं हमारी कह देना, हमारा नाम ले देना। कहें उन्होंने दंडोत भेजिए, उन्होंने कहा कि महाराज जी अब नियम ले लो, अब वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाना, कुछ हो जाएगा तो ठीक नहीं है। लोग कहेंगे इतने बड़े महात्मा जीवन भर वृंदावन में रहे, अब फिर कहाँ चले गए। बोलो होता ही ऐसा होता है, पीछे चर्चा भी चलती है, अरे देखो क्या वृंदावन नहीं मिला उनको। तो परिक्रमा करके हम जैसे ही पहुंचे तो हमने महाराज जी को ताजी ताजी बात निवेदन कर दी कि महाराज जी ऐसा ऐसा गोरेदाऊ वाले महंत जी महाराज कह रहे हैं। महाराज जी ने बड़े धैर्य से सुना, बोले देखो कहीं भी हमारे आने जाने का मन नहीं होता है, कहीं मन नहीं आने जाने का, लेकिन लोग आग्रह करते हैं, बहुत ज़्यादा आग्रह करते हैं तो कह देते हैं भैया उठा ले जाओ और धर जाओ, अब शरीर तो चलने लायक है नहीं। हमने कहा महाराज जी वो महंत जी कह रहे थे कि नहीं आप नियम ले लीजिए, आप कहीं जाएं नहीं। महाराज जी बोले भाई देखो लाने वाले ले जाने वाले ले जा रहे हैं, उनको ले जाने में प्रसन्नता है और जाने वाले को भी उनकी प्रसन्नता में प्रसन्नता है, तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है और महंत जी को क्या तकलीफ हो रही है। मैंने कहा तकलीफ तो कुछ नहीं है महाराज जी, आपकी प्रसन्नता यदि है तो अच्छी बात है, पर वो कह रहे थे कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्घटना हो जाएगी, हाथ पांव टूटेगा। अरे हाथ पांव टूट जाएगा और अधिक होगा तो मृत्यु हो जाएगी। अब हम क्या बोल सकते महाराज जी के सामने, वो तो ऐसा बोल रहे हाथ पांव टूट जाएगा मृत्यु हो जाएगी, इससे अधिक तो कुछ नहीं होगा। हम कुछ नहीं बोले, चुप सन्न रह गए, क्या कह रहे हैं महाराज जी। इतना कहने के बाद तत्काल भावाविष्ट हो गए और उन्होंने कहा पंडित जी आप क्या समझते हैं, मैं आधे पल के लिए भी वृंदावन से अलग नहीं रहता हूं, मैं निरंतर वृंदावन में रहता हूं, आधे पल के लिए भी वृंदावन से बाहर नहीं जाता हूं। ये शरीर जहां छूटेगा ना, यदि वो स्थल धाम से बाहर हुआ और शरीर छूटा तो मरने के पहले वृंदावन धाम वहां प्रकट हो जाएगा।
ऐसा कहे कि बहुत भावुक हो गए महाराज जी, एकदम प्रेम के भाव के चिन्ह उनके श्रीअंग में प्रकट हो गए। हमने चरणों में प्रणाम किया, महाराज जी हम आपके स्वरूप को क्या जाने। और उनकी धाम निष्ठा हम लोगों ने अंतिम काल में देखी कि जब नहीं तो लोग बीमार पड़ते हैं तो कहते यहाँ हमको आराम नहीं और हमको आगरा ले चलो, हमको दिल्ली ले चलो, लेकिन उन्हें बड़े आग्रह पूर्वक, रसिक माधव दाजी सामने बैठे हैं, आग्रह पूर्वक हॉस्पिटल में ले गए। सामने डॉक्टर चंद्रेश जी हैं और चंद्रेश जी तो कह रहे थे ब्रज हेल्थ केयर में कि वह आराम हो रहा क्यों ले जा रहे हो, इन्होंने ही हमसे कहा था क्यों ले जा रहे हो। महाराज बोले नहीं, यदि तुम्हारी यह इच्छा है कि हमारा शरीर यहीं पूरा हो तो कोई बात नहीं, और ये इच्छा हो कि मलुक पीठ में संतों के बीच में शरीर पूरा हो तो हमको इसी समय ले जाओ। और जैसे कोई पूरी तैयारी से ठाकुर जी के निकुंज में विराजमान हो गए, ऐसे महाराज जी जिस समय वे भगवत धाम गए उस समय राधा वल्लभ लाल जी के श्रीअंग का संपूर्ण श्रृंगार उनके श्रीअंग पर था। आपने ही उसी रात्रि को ठाकुर जी का, गर्मी का समय था, कलियों का श्रृंगार उनकी, किशोरी जी की, ठाकुर जी की चंद्रिका वो, और कंठ का नूपुर जो चरण है वो तो कंठ में महाराज जी के बांधे हुए थे, यहाँ बाजू बंद वक्ष में हार, राधा वल्लभ लाल जी के श्रीअंग का पूरा श्रृंगार उनके देह पर था। निधिवन राज की रज, सेवा कुंज की रज एक गौड़ी संत ने रात्रि को 12:30 बजे हल्ला मचा करके हम सेवा कुंज से रज लेके आए, पूरे 84 कोस ब्रज की रज आई, और अंतिम क्षण तक भगवत स्मृति पूर्वक भगवत धाम प्रयाण किया। इससे लगता है कि महापुरुष वो निरंतर श्री युगल प्रिया लाल के नाम रूप लीला चिंतन में ही रहते हैं, उनका वास्तविक स्वरूप यही होता है, हम लोग जो है उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए कुलशेखर आलवार जी कह रहे हैं कि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विधौ, हमारा कंठावरोध हो जाएगा तो मैं आपका स्मरण कहां कर पाऊंगा, इसलिए मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में विराजमान हो। वो कुलशेखर आलवार दक्षिण भारत में आयंगार ब्राह्मण जो होते हैं वो विशुद्ध वैष्णव होते हैं, परंपरा से वैष्णव होते हैं और बड़े कट्टर वैष्णव होते हैं आयंगार, और ब्राह्मणों में अत्यंत पवित्र माने जाते हैं आयंगार। ऐसे आयंगार कुल में ही कुलशेखर आलवार जी का जन्म हुआ था, और उन कुलशेखर आलवार की वंश परंपरा में पूज्य श्री बेणमृत कुंज वाले महाराज जी का अवतरण हुआ, एक साक्षात आचार्य के वंश में उनका अवतरण हुआ। भक्त कुलशेखर की वंश परंपरा पुण्य जन्मे बाल कृष्ण दास भक्ति जिन्हें भाई है, अथवा जन्मे बाल कृष्ण प्रभु भक्ति जिन्हें भाई है। लगता है बालकृष्ण ही आ गए बालकृष्ण के रूप में। अब मातृकुल, संतों के जीवन चरित्र में महाराज जी उनके मातृकुल का विशेष योगदान होता है। आप किसी भी संत का जीवन चरित्र उठा करके देखो तो उनके मातृकुल में कोई ना कोई विशेषता होगी, क्योंकि भक्ति के जो विशेष संस्कार हैं वो पितृकुल से प्राप्त न होकर मातृकुल से ही प्राप्त होते हैं। पिता ने गर्भाधान किया, अब किसके रक्त से पोषण हुआ, पोषण किसके द्वारा हुआ, माता के द्वारा पोषण हुआ, और माता के शरीर का जन्म कहाँ हुआ, माता के शरीर का निर्माण जिस कुल में हुआ है उस कुल के सारे संस्कार उसमें विद्यमान है, इसलिए मातृकुल बहुत पवित्र होता है संतों का। किसी भी संत के जीवन चरित्र को उठा के देख लो उनका मातृकुल बहुत पवित्र होता है, दोनों ही कुल पवित्र होते हैं पर पितृकुल की अपेक्षा मातृकुल विशेष पवित्र होता है।
हमारे पूज्य महाराज जी, पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी, पितृकुल उनका जो था वो भी भक्त थे, पर वो एकदम विशुद्ध स्मार्त थे। माने वैष्णव विरोधी तो नहीं थे, एकादशी व्रत भी करते थे, तुलसी भी, भगवान की भक्ति भी करते थे, पर सब त्रिपुंडधारी, त्रिकाल संध्या उपासना करने वाले, गायत्री जप करने वाले, वेद पाठ करने वाले वही थे। बाकी और कोई भगवान के भजन की, भक्ति की, ऊर्ध्वपुंड तुलसी आदि की परंपरा उनके यहाँ नहीं थी। अयो तो रुद्राक्ष माला के साथ तुलसी माला भी पहन लेते थे, लेकिन वैसे कोई। अब आप इससे समझ लीजिए महाराज जी, महाराज जी के पिताजी, महाराज जी जब गोवर्धन में विराजते थे लक्ष्मण मंदिर में, तो महाराज जी के पिताजी पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद जी त्रिपाठी वो आए। महाराज जी ने पिता का आदर किया, करना ही चाहिए, प्रणाम किया, आदर किया। तो ट्रेन से आए थे और रास्ते में पानी भी नहीं पिया था उन्होंने, वृद्ध शरीर था। तो महाराज जी ने कहा कि स्नान करके अपना संक्षिप्त नियम कर लो और लक्ष्मण जी को भोग लग गया है, प्रसाद पा लो। उन्होंने कहा देखो हमने पानी भी नहीं पिया, अभी हमारा नियम पूरा करेंगे, उसके बाद हम हमारा सीधा सामान हम लेके आए हैं अपने गांव से, आटा दाल चावल लेके आए हैं गांव से, तुम्हारे यहाँ का कुछ नहीं लेंगे, हमको लकड़ी कंडा दे दो, हम अपना बनाएंगे और भोग लगाएंगे, अपने पाएंगे, बलि वैष्णदेव करेंगे, अपने पाएंगे। तो महाराज जी ने कहा वृद्ध हैं, यहाँ भोग लग गया है, पर भाई देखो हमारी जात बिगड़ी नहीं है, अभी हम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, किसी का छुआ पानी नहीं पीते हैं, हमारी जात वाति नहीं बिगड़ी है, और तुम हो गए हो बैरागी बाबा जी। बाबा जी की क्या जाति, बाबा जी में तो सब होते हैं, तो हम तुम्हारे यहाँ का नहीं खा सकते हैं, न तुम्हारा खा सकते हैं, हम तो अपने आप बनाएंगे। महाराज ने कहा जैसे आपकी प्रसन्नता हो। तो उन्होंने अपना बनाया, और क्या दलिया खिचड़ी कुछ वृद्ध तो थे, थोड़ा बहुत कुछ बना के भगवान को भोग लगा, लक्ष्मण जी को भोग लगा। और फिर उन्होंने तो महाराज जी कहते तीन चार दिन रहे, तीन चार दिन उन्होंने हमारे यहाँ कुछ नहीं खाया। ये साधुओं के सबका अन्न आता, हम तो किसी सबका अन्न खाते भी नहीं है, साधुओं के तो किसी का भी अन्न आ जाएगा, हम नहीं खाते। अब ये नमूना बता रहे हैं कि ऐसे संस्कार थे ब्राह्मणों में, और ये भी एक शोभा थी, ब्राह्मणों की शोभा थी इसमें, उनके शौचाचार में। पर महाराज जी का पितृकुल तो ऐसा था, ओ कट्टर ब्राह्मण, और मातृकुल महाराज जी के जो नाना थे, दो नाना थे, वो दोनों विरक्त संत थे। महाराज जी के खास नाना भी विरक्त संत हो गए थे, और बड़े नाना जी तो बाल ब्रह्मचारी थे। दोनों ही बाबा श्री रघुनाथ दास जी बड़ी छावनी के साक्षात शिष्य थे, रघुनाथ दास जी के शिष्य थे दोनों नाना महाराज जी, जो जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत थे बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज, अयोध्या बड़ी छावनी। तो वो परम वैष्णव थे। महाराज जी ने अपने बहुत बाल्यकाल में अपने नाना जी का, बड़े नाना जी छोटे नाना जी दोनों का दर्शन किया, 100 साल से ऊपर होकर के वो भगवत धाम पधारे, वो विरक्त संत थे। तो उनके संस्कार ऐसे, पिता की पुत्री होने के कारण महाराज जी की जन्मदात्री माता निरंतर नाम जप करती थी, वो परम वैष्णव थी। तो महाराज जी एक बार बोले कि हमारा खानदान तो जो है वो, उसमें भक्ति के संस्कार, हम में जो भक्ति के संस्कार आए वो तो हमारे माता जी के खानदान से आ गए, ऐसा महाराज जी ने एक बार कहा था, समझ में आती। और मान लो किसी का पितृकुल भी भक्त हो और मातृकुल भी भक्त हो, तब तो कहना ही क्या है। पूज्य श्री बिनव्रत कुंज वाले महाराज जी के जीवन की विशेषता, उनका पितृकुल इतना पवित्र है कि परंपरागत वैष्णव, और उसमें भी परम पवित्र आयंगार विप्रकुल, उसमें भी महान आलवार श्री कुलशेखर आलवार जी की वंश परंपरा में आपका जन्म हुआ। और मातृकुल कितना पवित्र है, मातृकुल महाराज जी की माताजी
श्री कमलम्मा माता, वो जो है वो गोपाल भट्टी जी के वंश में उनका जन्म हुआ। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जिन्होंने श्री राधारमण लाल जी को प्रकट किया, उन श्री गोपाल भट्ट जी की वंश परंपरा में महाराज जी की जन्मदात्री माता का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से पितृकुल और मातृकुल की विशुद्धता से महाराज जी का ऐसा अद्भुत दिव्य अवतरण हुआ। बोलो श्री महाराज जी की जय। पिता श्री कृष्ण पार्थ सारथी आयंगार भय, पिता श्री कृष्ण पार्थ सारथी आयंगार भय, परम विदुषी माता कमलम्मा पुण्यमयी है। हाँ परम विदुषी माता कमलम्मा पुण्यमयी है। दिव्य सट संपत्ति युत संपत कुमार सूत, सट संपत्ति युत संपत कुमार सूत, मेल कोटा जन्म हरी बासर गीता गाई है। हाँ मेल कोटा जन्म हरी बासर गीता गाई है। संबत 1975 मार्ग शीर्ष मास, संबत 1975 मार्ग शीर्ष मास, हरिवासर शनिवासर अर्धनी साछाई है। हरिवासर शनिवासर अर्धनी साछाई, केंद्र में गुरु शुक्र बुध सभी ग्रह सुभाति शुभ, केंद्र में गुरु शुक्र बुध सभी ग्रह सुभाति शुभ, महाभाव गोपी श्री जी बाल कृष्ण सुखदाई है। महाभाव देखिए परम रसिक महाराज जी का चरित्र चल रहा, उनके अवतरण की बात आई कि महाराज जी का अवतरण हो गया। पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी का मंगलमय दर्शन और उनका आसन प्रतीक्षा कर रहा है महाराज जी की। सामने से उनको दर्शन होगा, बार बार मिलना पड़ेगा। जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन श्याम जय जय श्याम जय जय
जय जय श्री राधे। ये स्थल महाराज जी बड़ा सुंदर है, इधर मालती, उधर मधुमालती, इधर बेला चमेली जूही रात रानी वृंदा महारानी, सब यहाँ सब राधा करावचित पल्लव वल्लरी के है, है? बड़ा राधा केली कुंज का जो वातावरण है बड़ा दिव्याति दिव्य है। तो महाराज जी का मंगलमय चरित्र चल रहा था, कैसे पवित्र कुल में पूज्य श्री वेणुमत कुंज वाले महाराज जी प्रकट हुए। पिता श्री कृष्ण पार्थ सारथी आयंगार भय। महाराज जी के पिताजी का नाम पंडित श्री कृष्ण पार्थ सारथी आयंगार, पंडित श्री कृष्ण पार्थ सारथी आयंगार, ये आपके पूज्य पिताजी हुए। आपकी माता परम विदुषी थी, संगीत की बहुत विदुषी थी, बहुत उत्तम गायन करती थी, संस्कृत की विदुषी थी और गीत गोविंद और कृष्ण कर्णामृत इनको राग रागनी में तालस्वरबद्ध होकर गाने में बहुत कुशला थी। तो गीत गोविंद और कृष्ण कर्णामृत जैसे ग्रंथ को गाने वाली जन्मदात्री माँ हो, उसका पुत्र रसिक न होगा, भक्त न होगा तो क्या होगा, ये बड़ी विलक्षण बात है। दक्षिण में गीत गोविंद गाने की परंपरा है, दक्षिण में, उड़ीसा में भी गीत गोविंद गाने की परंपरा है परिवारों में, और हमको ऐसा भी सुनने में आया कि मिथिला क्षेत्र में भी, वहाँ भी माताओं में गीत गोविंद गाने की परंपरा, ऐसा सुनने में हमको आया। पंडित श्री मुनीश्वर जी झा कहते थे कि महाराज हम तो बचपन में अपने यहाँ गीत गोविंद हमारे यहाँ गाया जाता है, हाँ शादी विवाह में भी गीत गोविंद गाया जाता है, तो बड़ी पवित्र परंपरा है। तो ऐसा अद्भुत, ऐसी पवित्र पुण्य जननी श्री माता कमलम्मा, ऐसी पुण्य जननी पूज्य श्री महाराज जी को प्राप्त हुई, और आप जो दिव्य आध्यात्मिक षट संपत्ति है उस षट संपत्ति से युक्त थे जन्म से ही, लगता है इसलिए ज्योतिषियों ने विचार करके आपका जन्म का नाम पंडित संपत कुमार आयंगार, ये आपका नाम रखा संपत कुमार। और संपत कुमार दक्षिण भारत के एक ठाकुर जी भी हैं, हैं संपत कुमार, कहाँ विराज रहे हैं संपत कुमार जी, मेलकोटा में, मेलकोटा के ठाकुर जी हैं संपत कुमार, बड़े रंगीले ठाकुर हैं संपत कुमार, श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण हैं संपत कुमार, वृंदावन के ठाकुर हमारे ठाकुर हैं, बड़े प्यारे ठाकुर जी। कथा तो मालूम है ना संपत कुमार ठाकुर जी की, हैं संपत कुमार ठाकुर जी स्वप्रकट ठाकुर जी हैं, लूट भाई तो उस लूट में मुगलों ने बहुत लूटा ना, तो तत्कालीन मुगल बादशाह ने लूटा और लूट करके उस लूट में ही ठाकुर जी दिल्ली चले गए, और दिल्ली चले गए तो हमारे ठाकुर जी तो भगत तो कम चेताते हैं, भक्तानी ज्यादा चेताते हैं। बादशाह की जो शाहजादी थी उसी के ऊपर ठाकुर जी ने कृपा कर दी, अपनी मंद मुस्कान तिरछी चितवन से उसे घायल कर दिया, और वो तो बहुत अधिक प्रेम ठाकुर जी से करने लगी, ठाकुर जी उसके साथ खेलने लगे, वो कांत भाव से संपत कुमार को बचती थी। तो जब श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट भए, तब श्री रामानुजाचार्य जी को पता चला कि स्वप्रगट ठाकुर और एक मुगल सम्राट के बादशाह के यहाँ हैं, तो ठाकुर जी को छुड़ाना चाहिए, फंसे हुए हैं चक्कर में, बंधन में पड़े हुए हैं, इनको वहाँ से मुक्त कराना चाहिए, आज तो ऐसी परिस्थिति है और कल क्या परिस्थिति हो, एक विग्रह की सुरक्षा करनी चाहिए। तब श्री ठाकुर श्री रामानुजाचार्य जी दिग्विजय यात्रा करते हुए आई, उन्होंने बादशाह से ठाकुर जी, उसे पता ही नहीं था कि ठाकुर जी घर में और मेरी बेटी के साथ उसका उनका संबंध हो चुका है,
तो फिर अब ठाकुर जी उसको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं। तब आचार्य चरण ने थोड़ी खरी खोटी भी सुनाई कि तुम सब धर्म को चौपट करने तुले हो, ज़्यादा प्रेम रेम के चक्कर में मत फंसो, हैं आजकल लव जिहाद कह रहे हैं ना, लव जिहाद हैं, तो ये शब्द तो थोड़ा वैसा घटिया स्तर का शब्द है। लेकिन आचार्य चरण ने कहा कि भाई ये ज़्यादा प्रेम के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि धर्म की, सनातन धर्म की, सदाचार की सुरक्षा का भार आपने हम आचार्यों को सौंपा है, तो आपको चलना पड़ेगा। और फिर उस शाहजादी ने अपना देह छोड़कर सदैव भगवान संपत कुमार जी के श्रीअंग में प्रवेश किया। ऐसी भक्ता थी वो संपत कुमार ठाकुर, बोलते चालते ठाकुर, बड़े प्रेमी ठाकुर, जिनमें उस यवन कन्या ने सदैव प्रवेश किया। ऐसे ठाकुर आज भी दक्षिण भारत में, जहाँ मैलकोटा है, जिसका संस्कृत नाम है मलयकूटम, क्या नाम है, मलय पर्वत का एक शिखर है वो, मलयकूट नाम है उसका, पर मलयकूट से अब वर्तमान समय में उसको श्री मैलकोटा कहते हैं। वहां श्री तिरुनारायण स्वामी विराजमान है, संपत कुमार ठाकुर वहां विराजमान है। संपत कुमार भगवान के चरण कमल और कर कमल हमारे पास रखे हैं। आप लोग कहें कैसे रखे हैं, हम जब गए थे तो वहाँ चंदन में छाप लगा के चरण दे देते हैं, तो ठाकुर जी की श्रीअंग के चंदन में पता नहीं कैसे अर्चक के मन में क्या भाव जगा होगा, तो बुला करके हमको ठाकुर जी का करकंज का चिन्ह चंदन का और उनके चरण तल का चिन्ह हमारे पास कहीं रखा होगा, वो विराजमान हैं जी। हाँ आप तो थे उस समय, हमने गीत गोविंद सुनाया था ठाकुर संपत कुमार को, हम वृंदावन से आए तो क्या दें आपको, तो श्री गीत गोविंद की अष्टपदी सुनाई तो बस पुजारी भावुक हो गए, उन्होंने कहा कि ठाकुर जी की दुर्लभ वस्तु आपको देते हैं, हमारे पास कहीं विराजमान। तो नारायण ऐसे ठाकुर जी वहां विराजमान हैं। वहां जो ठाकुर जी हैं उनका नाम है श्री तिरुनारायण स्वामी। तिरु शब्द जो है पूज्यवाचक है, तिरु माने पूज्य, श्री नारायण भगवान वहां विराजमान है, जिन्होंने श्री रामानुज स्वामी जी के साथ प्रत्यक्ष लीला की थी वो भी ठाकुर जी वहां विराजमान है। और मैलकोटा का की रज श्वेत मिट्टी वहां निकलती है, और उस रज में शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण आदि के चिन्ह उस रज में निकलते हैं, मुरली के, गदा के, मुकुट के चिन्ह उसमें प्रकट होते हैं, और वो बड़ी पवित्र रज है वहाँ की। उस रज का तिलक दक्षिण भारत के वैष्णव विशेष रूप में धारण करते हैं, हैं श्वेत चंद्र हैं। अयोध्या जी में भी करते हैं, लेकिन अयोध्या जी में चित्रकूट में एक जगह, चित्रकूट में भी श्वेत चंदन होता है, तो चित्रकूट के भी श्वेत मिट्टी की उसको भी, और मैलकोटा का तो धारण करते हैं। उस रज के संबंध में भी थोड़ी सी बात बता दें, जैसे गोपी चंदन का महात्म्य शास्त्रों में लिखा है, ब्रजभूमि का तो महात्म्य है ही, वैसे ही मैलकोटा की रज का भी महात्म्य ग्रंथों में लिखा हुआ है। एक बार श्री नारायण भगवान ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ जी को श्री श्वेत दीप के भक्तों के चरित्र सुनाया, तो गरुड़ जी ने कहा महाराज इतनी महिमा सुनाई है तो आपकी आज्ञा हो तो हम थोड़ी, हमको छुट्टी दो, अवकाश दो, तो हम थोड़ा श्वेत दीप घूम के आवें, वहाँ के भक्तों का सत्संग करके आवें। बोले हाँ चले जाओ। भगवान ने दक्षिण भारत श्रीरंगम से ही गरुड़ जी को भेज दिया, कहाँ श्वेत दीप। गरुड़ जी वहाँ गए, वहाँ के प्रेमी अनुरागी भक्तों की रति को देखा, अनुराग को देखा, तो इतने विवल हो गए गरुड़ जी, बोले अब बड़े संकट में, हमारा मन तो कर रहा है अब हम भगवान को कहें कि अब दूसरा कोई वाहन चुन लो, हम तो इन संतों का ही, रसकों का ही संग करेंगे, ऐसे प्रेमी अनुरागी भक्त, लेकिन अब इधर भक्तों का संग कैसे छोड़ें, उधर ठाकुर जी की सेवा कैसे छोड़ें। अंत में ठाकुर जी की सेवा में तो जाना ही था, क्योंकि निश्चित समय के लिए आए थे, तो मन में सोचा क्या करें, यहाँ की स्मृति कुछ लेके चलें,
तो गरुड़ जी अपनी चोंच में वहां की मिट्टी भर के ले आए रज, और चोंच को चोंच में मिट्टी। अब गरुड़ जी कोई छोटे मोटे तो है नहीं, रज लाए तो पहाड़ जैसा उठा लाए होंगे। खूब रज चोंच में भर के लाए, रंगनाथ जी के पास आए, बोले जय जय। अरे चोंच में मोहड़े में का भर रखे हो? बोले महाराज वहाँ के भक्तों की चरण रज है, उन भक्तों की चरण रज मस्तक पर धारण करने से तत्काल आपका प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ऐसी दिव्य, ऐसे जैसे प्रेमी अनुरागी भक्त। तो बोले चलो अच्छा हुआ आप हमारे ही संकल्प से वहाँ की रज लेके आए हैं, तुम इसको मलयकूट पर्वत पर विराजमान करो और हम स्वयं नारायण स्वरूप में वहाँ विराजमान होंगे। तो भगवान वहाँ नारायण स्वामी के रूप में विराजमान है और वहाँ मिट्टी खोदी जाती है, तो वहाँ से ये रज में आज भी चिन्ह मिलते हैं। और हमने द्वारिका में तो चिन्ह देखे हैं, मिट्टी में गोपी चंदन में अनेक चिन्ह भगवान के आयुधों के प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक बने हुए चिन्ह प्राप्त होते हैं। ऐसा है तो ऐसी पवित्र भूमि मैलकोटा जहाँ की रज दक्षिण के सभी वैष्णव अपने मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड के रूप में धारण करते हैं, ऐसी पवित्र मिट्टी में मलयकूट पर्वत के इस पवित्र मैलकोटा में श्री महाराज जी का अवतरण हुआ। कब जन्म हुआ? अगहन शुक्ल एकादशी, जिसको श्री गीता जयंती कहते हैं, गीता जयंती का दिन था। संबत 1975 में मार्गशीर्ष मास में एकादशी तिथि को अर्धरात्रि के समय, शनिवार था उस दिन, शनिवार के दिन महाराज जी का अवतरण हुआ। आपके जन्मांग में केंद्र में गुरु शुक्र बुध आदि जितने शुभ ग्रह हैं वो सब केंद्र में बड़े बलिष्ठ रूप में विराजमान हैं। ऐसे गोपी भाव महाभाव संपन्न श्री श्री जी पूज्य श्री महाराज जी का अवतरण हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आपके पास मोबाइल हो तो चाहो तो इसको कुछ इसकी फोटो ले लो, तो फोटो ले लो तो आपको बोलने में सुविधा होगी, कुछ तो ले लो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राधे। अब ये तो उनके अवतरण की भूमिका हो गई। अभी हम लोगों ने पिछली दो वर्ष हो गए, क्यों भैया जी, दो साल पहले महाराज जी का शताब्दी महोत्सव मनाया था, जन्म शताब्दी महोत्सव, और हमारे पूज्य महाराज जी का भी शताब्दी महोत्सव चल रहा था। संबत 1975 में भी हमारे महाराज जी का आविर्भाव भी संबत 1975 का, और पूज्य श्री वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी का आविर्भाव भी संबत 1975 का, तो उसी क्रम में हम लोगों ने मनाया था। और दास को बड़े रास मंडल में
पूज्य श्री महाराज जी का पावन स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो अभी कुछ पंक्तियों के माध्यम से महाराज जी का जो चरित्र आज हो सकेगा उतना आज करेंगे, फिर बाकी कल करेंगे। जय जय श्री राधे, रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, बंदों अली वृंदावन की। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, बंदों अली वृंदावन। हाँ अली वृंदावन के चरण कमल बलियां बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। उनके चरण कमल बलियां बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। वृंदा विपिन निकुंज बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। वृंदा विपिन निकुंज बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। रसिक वर बाल कृष्ण हरि अली वृंदावन। धन्य भारत भू भक्तन भू, धन्य भारत भू भक्तन भू। धन्य अवतार भूमि ब्रज भूमि, धन्य अवतार भूमि ब्रज भूमि। प्रगट भई भक्ति दक्षिण भूमि, प्रगट भई भक्ति दक्षिण भूमि। धन्य आलवार आचारज भूमि, धन्य आलवार आचारज भूमि। भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट भय नृत्यत प्रेम निकुंज। भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट भय नृत्यत प्रेम निकुंज। हाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट भय नृत्यत प्रेम निकुंज। भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट भय नृत्यत प्रेम निकुंज। धन्य रसिक वर बाल कृष्ण हरि प्यारे, वृंदा अलि वृंदावन। रसिक वर बाल कृष्ण हरि प्यारे, बंदो अलि वृंदावन। उनके चरण कमल गलि जाम बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। उनके
भारतवर्ष की धरती धन्य है और अवतार भूमि भारत भूमि धन्य है, दक्षिण की भूमि धन्य है और जिस ब्रज भूमि में पूज्य श्री महाराज जी ने साधन किया और जीवन पर्यंत निवास किया वह ब्रज भूमि भी धन्य है। अवतार लीला भूमि ब्रज भूमि भी धन्य है। दक्षिण भारत में भक्ति प्रकट हुई आलवार और आचार्यों की भूमि है। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हुए और वो पुष्ट हुए कहाँ? श्रीधाम वृंदावन में। भक्ति ज्ञान वैराग्य और तीनों यहाँ नृत्य कर रहे हैं। ज्ञान भी नृत्य कर रहा है, भक्ति भी नृत्य कर रही है, वैराग्य भी नृत्य कर रहा है। और ऐसे वृंदावन निकुंज में आज भी श्री महाराज जी बस रहे हैं, निवास कर रहे हैं। ऐसे महाराज जी के चरण कमलों की हम सब बलि जाते हैं, बलिहारी जाते हैं। भक्ति की महिमा अपरंपार, भक्ति की महिमा अपरंपार, भागवत सुख मुनि कियो विचार, भागवत सुख मुनि कियो विचार, जहाँ जुड़ जाते हरि से तार, जहाँ जुड़ जाते हरि से तार, करें भगवंत सरिस व्यवहार, करें भगवंत सरिस व्यवहार, नहीं असंभव अचरज कोई महिमा अमित निकुंज हार, नहीं असंभव अचरज कोई महिमा अमित निकुंज, हाँ जी महिमा अमित निकुंज, हाँ जी महिमा अमित निकुंज, रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे बंदों अली वृंदावन, उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदा विपिन निकुंज, कर्नाटक भक्ति निवास, जन्म कर्नाटक भक्ति निवास, ये कर्नाटक में है मेलकोटा, वृद्धिं कर्नाटके गता, जहाँ भक्ति का विस्तार हुआ। जन्म कर्नाटक भक्ति निवास, जन्म कर्नाटक भक्ति निवास, मलय तिरुनारायण पुरवास, मलय तिरुनारायण पुरवास, प्रगट भय मार्ग शीर्ष हरिमास, प्रगट भय मार्ग शीर्ष हरिमास, जयंती गीता तिथि हरिवास, जयंती गीता तिथि हरिवास। कर्नाटक में श्री मलेकूट में मेलकोटा में संवत 1975 में मार्ग शीर्ष मास जो हरि मास है, मासानाम मार्ग शीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकर, गीता जी में कहा है महीनों में मैं मार्ग शीर्ष मास हूं। ऐसा जो भगवन मास है, हरि मास है, उसमें गीता जयंती की पवित्र तिथि को अर्धरात्रि में शनिवार को आप प्रकट हुए,
जन्म कर्नाटक भक्ति निवास मलय तिरु नारायण पुरवा प्रगट भय मार्ग शीश हरिवास जयंती गीता तिथि हरिवास संबत 1975 बाल कृष्ण रति पुण्य संबत 1975 बाल कृष्ण रति पुण्य हाँ जी बाल कृष्ण रति पुण्य हरी बाल कृष्ण रति पुण्य रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे बंदो अली वृंदावन रसिक बर बाल बंदों अली वृंदावन उनके चरण कमल बलि जाम बसत जे वृंदा विपिन के चरण कमल बलि जाम बसत जे वृंदा विपिन कुलशेखर आलवार शुभवंत कुलशेखर आलवार शुभवंत मातृकुल भट्ट गोपाल प्रशंस मातृकुल भट्ट गोपाल प्रशंस पिता कृष्ण आयंगार तेहि वंश पिता कृष्ण आयंगार तेहि मातृकमलम मारंग प्रशंस मातृकमलम मारंग प्रशंस माताजी श्रीरंगम की थी मातृकमलम मारंग प्रशंस मातृकमलम मारंग प्रशंस पार्थ सारथी पुत्र भये संपत कीरन कुंज पार्थ सारथी पुत्र श्री संपत कीर कीर माने तोता आ संपत कीर निकुंज आ संपत कीर निकुंज रसिक वर बाल कृष्ण हरि चारे बंदो श्री बाल कृष्ण हरि वृंदावन उनके चरण कमल बलि जाम बसत जे वृंदा विपिन उनके चरण कमल बलि जाम बसत जे वृंदा विपिन श्री कुलशेखर आलवार जी के पवित्र वंश परंपरा में और मातृकुल में श्री गोपाल भट्ट जी की पवित्र परंपरा में जो मातृकुल है महाराज जी का ऐसे श्री कृष्णा पिता कृष्ण पार्थ सारथी आयंगार उनके पवित्र वंश में माता कमलम्मा देवी जो श्री रंगम में जो श्री गोपाल भट्ट जी की वंश परंपरा है वहां से जिनका संबंध था ऐसे लगता है कि वृंदावन निकुंज के लिए एक सुख प्रकट हुआ है एक तोता प्रकट हुआ है निकुंज में तो सुख पिक कीर इनसे ही उसकी शोभा है निकुंज की तो श्री संपत कीर निकुंज लगता है श्री जी के निकुंज के ये कीर हैं ऐसे महाराज जी के चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं जैसे भगवान का जन्म कर्म दिव्य है ऐसे ही भगवत स्वरूप आचार्यों का भक्तों का भी जन्म कर्म दिव्य ही होता है कोई न कोई दिव्यता उनके जन्म से जुड़ी हुई होती है और उस दिव्यता का आभास उनके शैशव काल में ही मिल जाता है दिव्यता का आभास महाराज जी का शैशव काल
जब वे ठीक से बोलना भी नहीं जानते थे तब की बात है। इसको कहते हैं महाराज जी संस्कारवान होते हैं, उनकी तो अवस्था में बालक होते हैं पर उनकी समझ बालक के जैसी नहीं होती, क्योंकि अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम, अनेक जन्मों के संस्कार होते हैं तो वो उसका उसका प्रभाव तो रहता ही है। तो जन्म से ही पूज्य श्री महाराज जी परम भावुक भक्त थे। अभी शैशव काल ही था, मुश्किल से 3-4 वर्ष की ही अवस्था रही होगी, घर में कथा हो रही थी, कथा सुन करके आपको भावावेश हो गया उस अवस्था में भी और आप मूर्छित हो गए, पर इतने छोटे बालक में कथा श्रवण करके मूर्छा हो जाएगी ये कोई भी समझदार व्यक्ति ये उसकी बुद्धि से परे की बात है। पर अब देखो बिना आप सुन रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं, तो आप सुन तो रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिना समझे हुए आपको भाव की जागृति नहीं होगी। भाव की जागृति के लिए श्रवण के साथ मन लगाकर श्रवण करें और समझे विषय को, तब ना भाव जागृत होगा। तो उस अवस्था में भी महाराज जी की समझ कितनी अद्भुत थी, उस समझ में हमारे यहां एक संत रहते हैं, अब संत जब तक हों तब तक उनका नाम लेना नहीं चाहिए लेकिन क्या करें हमारी आदत बड़ी खराब है, ले देना ले चाहिए। हमारे यहां एक संत रहते हैं, आप से लोग वही जानते हैं, दुबले पतले से महात्मा है, परमहंस जी बहुत अच्छे महात्मा है। उधर पूरब में जन्म हुआ उनका, मुश्किल से 5-6 वर्ष के, 5 वर्ष के रहे होंगे, कितने वर्ष के स्कूल में भी नहीं गए, तो उस जमाने में इतनी छोटी उम्र में कहां कोई स्कूल जाता था, बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। और जन्म के बाद जब ये 2-2.5 महीने के थे उसी समय माता जी पधार गए, जन्मदात्री माता पधार गई, तो पिताजी ने इनको कैसे पाला, ऐसी भी अवस्था घर की नहीं थी कि घर में गाय का दूध उनको लिए उपलब्ध हो जाए बच्चे को, तो उधर पूरब में चावल खाया जाता है तो चावल का माड़ ठंडा ठंडा करके 2-2, 3-3 चम्मच माड़ पिलाकर इनकी प्राण रक्षा की। आप सोचो चावल का माड़ पिला 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 करके प्राण बचे, फिर थोड़ा बड़े हो गए तो फिर अन्न भी खाने लगे। तो बताते थे कि हम बहुत छोटे बच्चे थे तो हमारा पेट नगाड़े जैसा, हाथ पांव पतले पतले, पेट जवर जान, क्यों दूध मिला नहीं, पौष्टिक आहार मिला नहीं, तो कुपोषण जैसे होता ना, तो बोले वो पेट बढ़ गया चावल का माड़ पीने से, ये हालत थी। हमको चावल का माड़ ही अच्छा लगता। तो अवस्था 5 वर्ष की रही होगी और गांव में कथा हो रही थी तो इनके पिता कथा सुनने गए और ये भी कथा सुनने गए, छोटे बच्चे थे। अब मातृविहीन बालक को तो साथ ही ले जाया जाएगा कि नहीं, जिस बालक की मैया ना हो तो फिर पिता उसको ध्यान देता है, तो साथ ही ले गए। तो कथा में जीवन में पहली बार गए थे, मुश्किल से 5-6 साल की उम्र रही होगी, और सबसे पहले उन्होंने ध्रुव चरित्र सुना। क्या सुना? ध्रुव चरित्र सुना। तो बोले ध्रुव चरित्र सुनकर भी पता नहीं क्या हो गया हमको, उसी समय हमारे मन में पक्का हो गया कि हमको तो अब भगवान के दर्शन करना है, बस पक्की धुन सवार हो गई, भगवान का दर्शन करना है। पर समय परिस्थिति नहीं थी, इतने छोटे बच्चे थे, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें, लेकिन वो बात भीतर मन में बैठ गई। तो जैसे ही अवसर आया कि बस जैसे कोई पिंजरा खुले और पक्षी उड़ जाए, ऐसे उड़ गए और अब हम समझते हैं 50-55 साल तो उनको वृंदावन में हो गया है, 60 वर्ष से ऊपर हो गया होगा।
तो इतना लंबा समय और कैसा दिव्य जीवन में महाराज जी। हम लोग सौभाग्य समझते हैं कैसे संत अभी इस युग में हम लोगों के आसपास विराजते हैं, सौभाग्य हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। तो हमने कभी पूछा, किसी समय पूछा हमने कि परमहंस जी आप घर छोड़ के कैसे आ गए। अरे बोले पंडित जी आपसे क्या बतावें, हमने सबसे पहले ध्रुव जी की कथा सुनी थी और उसी समय मन में पक्का हो गया कि भगवान की प्राप्ति करनी। कहते हमने घर ही छोड़ा था बचपन में, यही लक्ष्य लेकर के अपने जीवन का लक्ष्य यही बनाया भगवत प्राप्त हो गया काम। तो अब हम सोचते हैं, आप विचार करते हैं कि 10-20 वर्ष के लोग भी बैठ के बच्चे बैठते हैं, 10-12 साल के बच्चे भी कथा बैठ के सुनते हैं, कहां वो समझते हैं कथा में। पर 5 वर्ष ध्रुव चरित्र श्रवण करके संकल्प किया और वैसा उनका जीवन बन गया। तो अब 5 वर्ष की आलक अवस्था में ध्रुव चरित्र सुन करके मन में ये भाव जग जाना कि हमें ध्रुव जी के जैसे ही भगवत प्राप्ति करनी है, ये बिना पूर्व जन्म के संस्कार के महाराज जी संभव नहीं है। तो महाराज जी की वो बाल्यावस्था, जन्म से ही भावुक हरि भक्त, जन्म से ही भावुक हरि भक्त, कथा सुन मूर्छित अति अनुरक्त, परम हंस राम कृष्ण के भक्त, परम हंस राम कृष्ण के भक्त। आप अपने पिता माता के साथ एक रामकृष्ण मठ था उसमें दर्शन करने गए, तो वहां प्रथम उन्होंने रामकृष्ण परमहंस देव जी की दीवार पर छवि लगी थी, उसको देखा महाराज जी ने, देखते ही उनको भावावेश हो गया और उनसे चित्र छवि ऐसे लगा कि परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी बातचीत कर रहे हैं। इससे एक बात सिद्ध होती है कि जो ये बात कही जाती है ना कि फोटो तो मुर्दा है, शरीर भी मुर्दा और फोटो जो है वो तो मुर्दे का मुर्दा है, ज्ञान वैराग्य बान जो महापुरुष हैं उनकी दृष्टि से वह बात ठीक है, पर भावुक भक्तों के लिए महापुरुषों की छवियों से भी चमत्कार हो जाते महाराज जी। ऐसे अनेक उदाहरण हम बता सकते हैं जहां महापुरुषों की छवियों से ही चमत्कार हो गया। इसलिए अपने घरों में ठाकुर जी की छवि, महापुरुषों की छवि जरूर विराजमान कर लेनी चाहिए, क्योंकि वे महापुरुष भगवत स्वरूप होते हैं, उनकी छवि जड़ नहीं होती है, वो चैतन्य ही होते हैं। महाराज जी दमोह में आप जानते हैं अच्छी प्रकार से, राधा वल्लभी वैष्णव थे श्री दमोह वाले दादाजी पंडित श्री शिवशंकर जी दीक्षित, अपने घर के तो भरत चरित्र हो रहा था, उस भरत कथा नित्य होता था घर में सत्संग होता था, तो महाराज जी भरत चरित्र कह रहे थे वे और सभी भावुक होकर रुदन कर रहे थे, तो जो रघुनाथ जी की छवि उनके मंदिर में विराजमान थी उस छवि के नेत्रों से भी प्रेम जल बहने लग गया। इसको सबने देखा और उस छवि में आंसुओं के चिन्ह को हमने भी देखा। अब आप कह सकते हैं फोटो में आंसू आ गए, इसका मतलब है कि भगवान का चित्रपट, भगवान चित्रपट नहीं वो साक्षात ठाकुर जी है, भावना की बात। महाराज जी एक वैष्णव थे, छतरपुर की बात है, गृहस्थ व्यक्ति, शरीर अशक्त हो गया, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की छवि पास रखते थे अपने पास, तो अब ऐसी अवस्था शरीर की आ गई कि
लघुशंक आदि करने भी नहीं जा सकते थे, तो उनको लघुशंका करने को होता तो कहते महाराज जी की छवि पर पर्दा कर दो। क्यों? गुरु महाराज की थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए, लघुशंका करना, फिर शुद्ध पवित्र हो जाते तब कहते महाराज जी का दर्शन फिर से खोल दो, फिर पर्दा खुलवा देते। रामचरण जी की बात असाठी। अंतिम क्षण में एक ही बात कही, गुरु जी का दर्शन करा दो, छवि का दर्शन कर भगवत धाम चले। कहने का आशय हमारे ये है कि सब भावना का खेल है, आपके मन में भावना है तो चित्रपट सरकार भी आपसे बातचीत करने लग जाए, और भावना नहीं है तो फिर जय सिया राम। तो प्रथम चित्र छवि के रूप में रामकृष्ण परमहंस देव जी का बाल्यकाल जब मां की गोद में थे आपने दर्शन किया, वहीं प्रथम भावावेश हो गया। और उस भावावेश में महाराज जी एक विचित्र बात हुई, क्या? चित्रपट बोल पड़ा, परमहंस जी बोल पड़े, क्या बोले? जन्म से भाव, जन्म से ही भावुक हरि भक्त, जन्म से ही भावुक हरि भक्त, कथा सुन मूर्छित अति अनुरक्त, कथा सुन मूर्छित अति अनुरक्त, परमहंस राम कृष्ण के भक्त, परमहंस राम कृष्ण के प्रगट कही हो बन जग अनुरक्त, प्रगट कही हो बन जग अनुरक्त। तुम संसार में अनुरक्त मत होना, ये परमहंस देव जी ने कहा, तुम तो ब्रज में अनुरक्त हो जाओ, ये कहा। यहाँ चलो यहाँ मत रहो, क्या कहा? हाँ चलो यहाँ मत रहो, सुनी तब त्यागो जग दुख पुंज, चलो यहाँ मत रहो, सुनी तब त्यागो जग दुख पुंज, सुनी तब त्यागो जग दुख पुंज, सुनी तब त्यागो जग दुख पुंज। रसिक बर पाल कृष्ण अलि भय वृंदा विपिन निकुंज, रसिक बर पाल कृष्ण हरि प्यारे, अलि भय वृंदा विपिन निकुंज, उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदा विपिन निकुंज, उनके चरण कमल बलि बसत जे वृंदा विपिन। चलो यहाँ मत रहो, ये आवाज सुनाई पड़ी, ये संसार दुख का पुंज से छोड़कर तुम तो ब्रजमंडल में चले जाओ, ये आदेश आपको मिल गया। ये एक विलक्षण घटना थी आपके जीवन की, लेकिन हर बात का अवसर होता है, उस अवसर से ही सब कुछ। जैसे महाराज जी, समय पर बीज बोया जाता है पर समय के बिना उसमें फली आती नहीं है, समय आने पर ही, ऋतु आने पर ही वृक्ष में फल आता है, हर समय नहीं आता। ऐसे ही ये ग्रह त्याग और इधर आने का सूत्रपात तो हो गया, पर इस बीच में कुछ काल वहीं उस क्षेत्र में व्यतीता। माध्यमिक शिक्षा नाना दे, माध्यमिक शिक्षा नाना, नानाजी के घर में आपकी माध्यमिक शिक्षा हुई। वेंकटाचार्य मामा अति ने, वेंकटाचार्य मामा अति ने, मामा जी का नाम था श्री वेंकटाचार्य भट्ट, क्योंकि श्री गोपाल भट्टी जी की परंपरा में है ना, श्री वेंकटाचार्य आपके नाना मामा, वेंकटाचार्य मामा अति ने, वेंकटाचार्य मामा अति ने।
राम कृष्ण बोले तज दोगे, राम कृष्ण बोले तज दोगे। माध्यमिक शिक्षा पूर्ण हुई, वहाँ श्री राम कृष्ण परमहंस जी का पुनः दर्शन हुआ और उन्होंने कहा अब हो गया घर का समय पूरा, आप छोड़ दो, द्वारा कृपा हुई। राम कृष्ण बोले तज दोगे, राम कृष्ण बोले तज दोगे। तुम्हें लेन आए हम सस्ने, तुम्हें लेन आए हम सस्ने। दिव्य प्रेम आवाहन सुनकर उड़ गयो कीर निकुंज, दिव्य प्रेम आवाहन सुनकर उड़ गयो कीर निकुंज। हाजी उड़ गयो सुख सुनि कुंज, हाजी उड़ गयो सुख सुनि। ये जहाँ का तोता था वहाँ के लिए उड़ गया। पर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन निकुंज। रसिक भर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन निकुंज। उनके चरण कमल बलिया बसत जे वृंदा विपिन निकुंज, उनके चरण कमल बसत जे वृंदा विपिन। देखो एक क्रम बड़ा विचित्र होता है, दक्षिण से चले, बैठ गए ट्रेन में, अब पहुंचे कहां जाके, काशी पहुंच गए, दक्षिण से पूरब पहुंच गए। क्यों? वो बनारस है ना, बनारस, बना रस। अरे भैया बनो है बड़ी रस बनारस में, पर बरसा कहाँ, बरसाने में बरसा, ब्रज में बरसा, क्योंकि बरसना बरसता तो यही है। और जा पर कृपा न करही पुरारी, जा पर कृपा करही पुरारी। सोना पाव मुनि भगति मानस में। गोस्वामी जी के शब्दों में भगवान ने स्वयं कहा है, जिस पर विश्वनाथ जी कृपा नहीं करते उसको भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं। ये भी एक विशेष बात है महाराज जी, संयोग की बात। जो जो वैष्णव हैं, हरि भक्त हैं, वो किसी न किसी रूप में बाल्यकाल में शिव जी की भक्ति जरूर उन्होंने की, ऐसा है कि नहीं? क्योंकि ये नरसिंह जी को भी निकुंज भेजने वाले यही हैं। सामने हमारे महाराज जी बैठे हैं, पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी। महाराज जी का प्राकट्य एक बुंदेलखंड के गांव में हुआ, खटौरा गांव। उस गांव में हमको दर्शन करने का, उस पवित्र रज को माथे पर लगाने का सौभाग्य हमको मिला है। वहां कथा हुई थी, बहुत संत गए थे और बड़ा सुंदर आयोजन हुआ था खटौरा गांव धाम में। लीला भी हुई थी, लीला भी हुई थी मेरे लीला, स्वामी जी और थे, हाँ, लेकिन लीला हुई थी। दो दिन रोज लीला होती थी, नित्य लीला होती थी और बड़ा सुंदर आयोजन था वहाँ। तो जहाँ महाराज जी का जिस घर में, पवित्र घर में जन्म हुआ, उसके ठीक सामने शिव जी का मंदिर। तो महाराज जी भी बचपन से भोले बाबा को जल चढ़ाना, वहाँ बैठ के कीर्तन करना, ये तो वृंदावन के कीर हैं, निकुंज के सुख हैं, उड़े तो वहीं के लिए हैं, लेकिन थोड़ा हमारे यहाँ भी हमको दर्शन देते जाएं, हमसे मिलते जुलते हुए जाएं, हैं? तो मानो इसी भाव से भोले बाबा ने आपको
काशी की ओर बुला लिया। कियो जा काशीपुरी निवास, कियो जा काशीपुरी निवास। लेकिन निवास करके वहीं नहीं रह गए कि न्याय पढ़ते, व्याकरण पढ़ते, वेदांत पढ़ते, क्योंकि वो तो पहले से जानते थे। संप्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति दुख करणे। संप्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति दुख करणे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। नहीं तो काशी विद्वानों की नगरी सोचते यहाँ कुछ व्याकरण न्याय वेदांत पढ़ ले, कुछ नहीं पढ़े। वहां रहे जरूर लेकिन वहां व्याकुलता आपकी बनी रही। बढ़ी अनुदिन हरि दर्शन प्यास, बढ़ी अनुदिन हरि दर्शन प्यास। कियो जा काशीपुरी निवास, कियो जा काशीपुरी निवास। बढ़ी अनुदिन हरि दर्शन प्यास, बढ़ी अनुदिन हरि दर्शन। कुंभ हरिद्वार भयो पुनिवास, हरिद्वार भयो पुनिवास। वहां महाराज जी को पता चला कि हरिद्वार में कुंभ हो रहा, बहुत साधु इकट्ठे हैं। आप वहां से मौका मिलना था निकलने का, काशी से चलकर आप हरिद्वार पहुंच गए। वहां कुंभ दर्शन किया और वहाँ फिर बद्रीनाथ दर्शन करने, बोले यहाँ आई हैं तो चलो अब यहाँ से पैदल पैदल बद्री का आश्रम, बद्रीनाथ जी का दर्शन करके हिमालय की यात्रा की। बद्रीनाथ का दर्शन किया, पर बद्रीनाथ ने ही लीला कर दी। क्या लीला की महाराज जी! बद्रीनाथ पहुँचे वहाँ, और वहाँ ब्रज के कोई साधु पहुँचे थे, ब्रज के साधु वे दर्शन करने गए थे। वो ब्रजवासी संत थे, उनके साथ ब्रजवासियों की टोली थी और वो बैठ के ब्रज के रसिया गा रहे थे। बस ब्रज का रसिया सुना कि फिर हो गए बद्रीनाथ, फिर तो व्याकुल हो गए। कह रहे भाई अब तो वहीं चलेंगे। कहाँ बाबा कहाँ से आए? बोले ब्रज से आए, ठाकुर जी की लीला का, ब्रज का रसिया सुन करके। आप जा रहे हैं क्या? श्री कामतानाथ भगवान की जय। बोले ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमको जहां जाना था वहां के संत हमको सहज ही मिल गए। कियो जा काशीपुरी निवास, कियो जा काशीपुरी निवास। बड़ी अनुदिन हरि दर्शन, बड़ी अनुदिन हरि दर्शन प्यास। कुंभ हरिद्वार भयो पुनिवास, कुंभ हरिद्वार भयो पुनिवास। दरस हित बद्री धाम निवास, दरस हित बद्री धाम निवास। रसिया ब्रज रस श्रवण सुनी गए वृंदावन सुख कुंजिया, रसिया ब्रज रस श्रवण सुनी गए वृंदावन सुख कुंजिया, श्रवण सुनी गए वृंदावन सुख कुंजिया, श्रवण सुनी गए वृंदावन सुख कुंजिया। आ रसिक वर बाल कृष्ण हरि प्यारे, रसिक वर बाल कृष्ण हरि प्यारे, हरि भये वृंदावन। उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदावन निकुंज। उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदावन।
हमारे महाराज जी व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए अब तो यहाँ रहेंगे, अब कहाँ जाएंगे। इसलिए कुंज बिहारी भैया जी संकेत भी कर रहे हैं कि समय है गए हो, सो कृपा करके अब अगले निकुंज में पधारें। अब यहाँ से हम धीर समीर निकुंज जाएंगे, वहाँ भी थोड़ी देर भगवत चर्चा करेंगे। हैं हाँ, फिर लौट के हमको जड़खोर भी पहुँचना है। तो श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, यहीं विराम करते हैं और ऐसे ही भगवत कृपा से कल भी हम लोग बैठ करके महाराज जी का गुणगान करेंगे। प्रातःकाल यहाँ ब्यावला है, कितने बजे से? प्रातःकाल 9 बजे से ब्यावला है। सखियन के ओर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचें सुखदाई। तो यहाँ तो ब्याह का निकुंज तो अपने आप बना हुआ है, ब्याह विनोद रचें सुखदाई। कल 9 बजे से यहाँ ब्यावला लीला है, बड़ी अद्भुत लीला। इस बार ठाकुर जी ने श्री हिताश्रम में ब्याहुले की लीला की, तो श्री ध्रुवदास जी महाराज ने जो विवाह की लीला गाई है, जिसको अपनी समाज में गाया जाता है, उसका आधार लेके और कुछ उस और कुछ गारी आदि का मिश्रण करके बहुत सुंदर स्वरूप में इस बार बता रहे थे कि संतों को बहुत ही प्रिय लगी वो ब्याहुले की लीला। तो वही लीला होगी, वाह जी वाह, जय। तो अब हम तो वहीं जड़खोर में कभी एक आध दिन दिखेंगे, वहीं लीला देख लेंगे। बाकी यहाँ मन से यहाँ रहेंगे, भाव से, और बाकी आप लोग जरूर लीला का दर्शन करें। देखो ठाकुर जी की लीला की महिमा क्या है, स्वामी जी को देख लो। स्वामी जी को देख लो। अब जीवन भर आपने लीला की ना, तो आज भी निरंतर लीला में ही रहते हैं, लीला में ही रहते हैं, 2400 घंटे लीला में रहते हैं। हाँ हैं, हाँ महाराज जी आएंगे। अभी ये अवस्था है कि इनको दर्शन होता महापुरुषों का, महापुरुषों को लेने अपने द्वार तक चले जाते हैं, फिर उनसे सत्संग करते हैं, फिर उनको भेजने द्वार तक जाते हैं, कहते हैं अमुक महापुरुष आए। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ठाकुर जी की लीला जो जीवन भर की है। पूज्य श्री राधा बाबा वेणु कुंज वाले महाराज जी, ऐसे संतों का जो संग किया है, संसार की स्मृति नहीं है लेकिन ठाकुर जी की संतों की निरंतर स्मृति बनी हुई है, क्योंकि ये यहाँ के हैं ही नहीं, वो तो वहीं के हैं, तो जहाँ के हैं वहीं तो रहेंगे और कहाँ रहेंगे। जय जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, जय राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, राधे, श्री राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे।
पवित्र गा दो स्वामी